अपना फिल्म्स के लाइन से हमने हमारी बहने सोचा था कि इसको हम अच्छे लेवल पे लेके जाएं और सारे बॉक्सर्स को इंटरनेशनल बॉक्सर भी और ये भी, और हम चाहते हैं कि जैसे इंडिया में IPL वगैरह ये गेम चल रहे हैं हम इस लेवल पे इसको लेके जाएं और अच्छे से सारे बॉक्सर्स का। तो सबसे बड़ी क्या प्रेरणा थी कि आपने सपोर्ट किया, कुछ ऐसी बात थी इस मतलब कॉन्सेप्ट में जो आपको प्रेरणा मिली सपोर्ट कॉन्सेप्ट? एक्चुअली मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ मैं जूडो का, तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और वो मेरे को शुरू से ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं, और मेरा भी एक मूवी आ रहा है यूसुफ सॉरी बुलावा यूसुफ जई के ऊपर, पाकिस्तान की जो लड़की है जिसको नोबल पुरस्कार मिला, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे अपना मूवी का प्रमोशन का और स्पोर्ट्स का मैं चाहता भी था कि ऐसे स्पोर्ट्स को मोटिवेट करूँ, तो दोनों ही पर्पस मेरे यहाँ पे। तो फिल्म मकाई बहुत टाइम से जो है वो प्रमोशन में है, तो कहाँ तक आपका रिलीज़ करना? मूवी अभी कंप्लीट हो चुकी है और हम प्लान कर रहे हैं इस पर, हम इसको डिसाइड करेंगे कि जुलाई एंड या अगस्त में इसको रिलीज़ करें, और वर्ल्ड वाइड ये मूवी हम रिलीज़ करने जा रहे हैं अराउंड 40 कंट्रीज में इसको रिलीज़ करें। मलाला का एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मलाला को लेकर एक वो आइकॉन है, एजुकेशन के लिए उसने इतना स्ट्रगल किया है अगेंस्ट यू नो टेररिज्म के अगेंस्ट उसने इतनी लड़ाई की है, तो पब्लिक को दुनिया को पता चलना चाहिए मलाला जैसी लड़की है, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत हैं घर घर में मलाला हैं, तो उनकी स्टोरी को देख के उनको भी मतलब लगे कि हाँ भाई एक बच्ची इतनी छोटी उम्र की एक बच्ची इतना स्ट्रगल करके इतना वहाँ पहुँच सकती है तो हम क्यों नहीं, तो इसलिए एजुकेशन बेस्ड मूवी थी इसलिए, अदरवाइज़ मलाला को लेकर ही क्यों, अभी कोई और टॉपिक मिलेंगे अपने को आगे जैसे भी लगेगा तो बनाना होगा मेरे को तो वो भी बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स की कहीं भी इवेंट होंगे तो टेक्नो फिल्म हमेशा तैयार रहेगा और हमेशा हम स्पोर्ट्स के प्रमोट करते रहेंगे। थैंक्स।